नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ मेरा YouTube चैनल में। आज मंगलवार का दिन है और लगभग अभी 9:30 बज रहा है। तो आज भी मैं खाना खाने बैठा हूँ और खाना में देख पा रहे हैं ये गरम भात और ये खट्टा साग और भिंडी और ये पुई साग और आलू का सब्जी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ सब आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमारे दोस्त कमेंट पे पूछ रहे थे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में दो बार वो तो बता चुका हूँ, फिर भी अपने दोस्त पूछ रहे हैं तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो मैं झारखंड राज्य से हूँ और ज़िला मेरा पूर्वी सिंहभूम है और ब्लॉक गुड़ाबांदा, गांव का नाम चाकसोल और मोहल्ला का नाम डूंगीगोड़ा है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं दोस्तों, खाना शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा बता दूँ कि ये पुई साग तो आप लोग जानते हैं, पुई साग सब कोई खाता है, लेकिन यह पुई साग मेरा खरीदा हुआ नहीं है, ये घर का है। और आलू जो खरीदा गया है, और अब ये खट्टा साग भी मेरा घर का है और भिंडी भी। दोस्तों, मैं अधिकतर वीडियो में आप लोग को दिखाता हूँ जो मैं अपने से खुद कर पाता हूँ, जो मेरा खेती बाड़ी करके ये हो रहा है, अर्जित हो रहा है, उसी चीज़ को आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि खरीदा हुआ तो सब कुछ मिल जाता है, मीट मछली खस्सी वगैरह सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने आज तक अपने से नहीं कर पाया है, या मुर्गा मर पाया है या खस्सी कुछ, इसीलिए वो सब रेसिपी आप लोग को दिखा नहीं पाया हूँ। तो कभी मौका आएगा तो ज़रूर देखेंगे और साथ में शेयर करेंगे, खाएंगे भी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और खाना शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और क्षमा चाहूँगा, डेली तो वीडियो बनाना मुमकिन नहीं हो पाता है, एक दो दिन छोड़ के बनाते हैं क्योंकि काम भी करना पड़ता है कुछ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आइए मैं खाना शुरू करता हूँ। ये रहा नमक और ये हल्का पानी, और ये देखिए छोटा सा एक तो धान मिर्ची है, ये तो दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका तेज बहुत ज्यादा है।
हमने खाना ख़त्म कर दिया है, ये सब्जी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, ये तो आप जान ही रहे, इधर भी तुरंत सफा हो जाएगा। तो खैर, ये वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा से रहिए, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।